मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, मैं किसी कार्यक्रम में था, अगले दिन करवा चौथ था, जहाज में जब बैठा था तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, स्वाभाविक की बगल में बैठी है, लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जेएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दे चुकी है। इसका सीधा सा मतलब है कि निजता का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 21 के जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि भारत के नागरिक को क्या खाना है, क्या पीना है से लेकर क्या पहनना है, इसकी आजादी संविधान देता है। लेकिन जिस संविधान की कसम खाकर तीरथ सिंह रावत इसी महीने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं, वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला में पहुंचकर संविधान की जगह अपने हिसाब से संस्कारों की ज्ञान गंगा बहाने लगते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार अपने बयानों के लिए चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने एक नया बयान देकर लोगों को चौंका दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं की फटी जींस पश्चिमी सभ्यता की निशानी है। बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है, लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दूंगा। जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। घुटने फटे हुए दिखने वाली जींस यानी रिप जींस, तो यहाँ सवाल ये कि महिलाओं ने क्या पहना, इससे संस्कार तय होगा, या दूसरी महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं आप, इससे संस्कार का पता चलेगा। संस्कार का सर्टिफिकेट देने वाले बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, और खास करके महिला क्या पहनती हैं, क्या आभूषण पहनती हैं, क्या वस्त्र पहनती हैं, क्या घूंघट लगाती हैं, क्या फटी हुई जीन्स पहनती हैं, उन संस्कृति के बारे में संस्कृति के रक्षक जो बने हुए हैं और सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट देते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस तरीके की महिलाओं को लेकर टीका टिप्पणी करना उनकी एक सोच दिखाता है कि महिला विरोधी जो मानसिकता है वो भारतीय जनता पार्टी की इनके मुख्यमंत्री रोज उजागर करते हैं। मुख्यमंत्री जी, ये नया जमाना है, आपको तो मोदी जी राम नजर आते हैं, कृष्ण नजर आते हैं, और अब आप हमारी बेटियों की जीन्स पहनने पर भी कमेंट करने लग गए हैं। मुझे लगता है कुछ मुंह पका बीमारी तो आप तक नहीं पहुंच गई है। तो घुटने फटे थे। वैसे संस्कार की जब बात चली तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इतने पर नहीं रुके, फटी जींस पहनने वाली महिला के संस्कार दे पाने की क्षमता पर सवाल उठाने के बाद अंग्रेजी मीडियम पढ़ाई को भी संस्कार विरोधी बताने लगते हैं। संस्कार बाकी कुछ नहीं, घर में बच्चों को संस्कार दो, उसको पढ़ाई कोई भी है, और जिसमें संस्कार है वो कहीं फेल नहीं हो सकता है। कितना भी अंग्रेजी घुटा लो, अंग्रेजी से कोई संस्कार कोई बड़ा आदमी नहीं बनने वाला है। मैं जानता हूं कि अंग्रेजी वाले को भी, हिंदी मीडियम वाले को भी, मैंने लखनऊ भी देखा, मैं वहां भी रहा हूं विधान परिषद के अंदर, मैं आज दिल्ली में भी हूं पार्लियामेंट के अंदर, मैं आज उत्तराखंड के अंदर भी हूं, मैंने तीनों पार्लियामेंट देख लिया। वहां यदि कोई आईएएस ब्यूरोक्रेट अधिकतम है हिंदी मीडियम का है। क्या एक मुख्यमंत्री के विचार और जातियों की पंचायत के झूठे सम्मान वाली सोच के बीच फर्क नहीं है? वरना यूपी के मुजफ्फरनगर में क्षत्रिय पंचायत भी क्यों वैसी ही सोच जाहिर करती है जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की है?
बस फर्क इतना है कि मुख्यमंत्री महिलाओं के फटी जीन्स पहनने से संस्कार न मिल पाने का सवाल उठाते हैं और क्षत्रिय पंचायत सीधे रोक ही लगा देना चाहती है। गांव में नई उम्र के लड़के हैं, गांव में नेकर पहन के फिरे, हाफ पैंट के हैं जिसे। हम ये कह रहे हैं कि आज से बाद में यदि किसी गांव में भी कोई भी लड़का यदि वो हाफ नेकर पहना हुआ मिला तो गांव वाले या तो उसे समझाएं नहीं तो उसे दंडित करने का काम करें। आज हमारी लड़कियां पढ़ने जा रही, बहुत बढ़िया है, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें बढ़ाओ, बिना दहेज के ब्याह करो, ये सब बढ़िया है। लेकिन लड़कियां जींस पहन के जावे, लड़कियां ऐसे आपत्तिजनक कपड़े पहन के जावे, ये भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। इस पे भी समाज एक मत होकर पाबंदी लगावे। जो भारत की संस्कृति है उस भारत की संस्कृति में जो परिधान है उन्हीं परिधानों का वो प्रयोग करें, ना कि जींस और पैंट और टॉप पहन के गांव से जाएं। और स्कूलों में ये व्यवस्था नहीं है, जिस स्कूलों में ये व्यवस्था है उन स्कूलों का भी बहिष्कार करा जाएगा। एनजीओ चलाती है उतने फटे दिखते हैं। तो होता यही है कि जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग संस्कारों की विवादित पाठशाला शुरू कर देते हैं तो दकियानुसी विचारों की यूनिवर्सिटी खोलकर संस्कार सिखाने वाले प्रोफेसर पंचायत करने लगते हैं।